नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्टी उच्च खबर मुंगेर से है। मुंगेर के संपूर्ण थाना क्षेत्र के हरकुंडा जंगली इलाके में एक सर्च ऑपरेशन के दौरान एसटीएफ व नक्सलियों के बीच हुए मुठभेड़ मामले में नामजद हार्ड कोड नक्सली जटातरी गांव निवासी सुनील कोड़ा उर्फ टेम्पो को गिरफ्तार कर लिया गया है। जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संजय कुमार पांडे ने बताया कि गिरफ्तार नक्सली सुनील कोड़ा उर्फ टेम्पो की गिरफ्तारी जटातरी गांव स्थित उसके घर से हुई है। इसमें उग्रवादियों के द्वारा और पुलिस के द्वारा मुठभेड़ हुआ था। उसमें तकरीबन 30 नेम्ड प्राथमिकी अभी बनाए गए थे और 20-25 अज्ञात के साथ जंगल और पहाड़ पर मुठभेड़ हुआ था, जैसा कि विदित है। उसमें से ये प्राथमिकी अभियुक्त है। इनकी सूचना पर गिरफ्तारी की गई और इनका विधिवत कन्फेशन लिया गया। कन्फेशन के दौरान कुछ नए तथ्य आए, उन तथ्यों का तहकीकात किया गया, अनुसंधान किया गया और उसमें इनके द्वारा बताया गया कि बालेश्वर कोड़ा और छोटू कोड़ा इनका अपना साला है, जो लॉकडाउन के तहत दौरान ये आकर के इनके घर पर ही रह रहा था पत्नी के साथ। और बालेश्वर कोड़ा जो है तो जोनल हेड है, इसका मौसिया ससुर लगता है। इसी क्रम में इनके साथ एक जुड़ाव हो गया और जुड़ने के बाद ये नक्सल संगठन में शामिल होकर के ये पुलिस की गतिविधियों का सूचना देते थे। और इस मोबाइल का जो कन्फेशन के आधार पर रिकवरी किया गया है, इसका उपयोग उग्रवादी संगठन को सूचना देने आने जाने के संबंध में दिया जाता था। ये स्वयं स्वीकार किए हैं और इसका विश्लेषण आगे के अनुसंधान में किया जाएगा।